हम इस बच्चे को सुसंस्कारी बनाएंगे। गुड न्यूज, गुड न्यूज, गुड न्यूज। तो संगवारी हो, आप मन के बहुत दिन से कमेंट आत रही से कि देवी जी प्रेग्नेंट है का? तो हाँ, देवी जी प्रेग्नेंट है और आज होवत है देवी जी के पुंसवन संस्कार। बेसिकली आज नहीं, एक महीना पहले हो गए, लेकिन मैं हाँ आज आप मन ला दिखावत हूँ। तो बने रहो व्लॉग में और पूरा आशीर्वाद दे के जाहू। तो सुबह सुबह नहा धो के हमन पहुंच गए गायत्री मंदिर। तो माता जी बतात रही से कि हमार जो ऋषि मुनि मन है वो मन संस्कार के बलबूते ही एक से बढ़ के एक संतान उत्पत्ति करे है और एक स्थिति पुंसवन संस्कार आदि संस्कार कराए जाते। हम ध्यान के माध्यम से भी बच्चे को ध्यान कैसे करें, अभी तक आप ध्यान करते होंगे? सूर्य माता जी बता रही थी कि अभी जितना ज़्यादा अच्छा दिनचर्या रही, जितना बढ़िया खान पान रही, जितना बढ़िया विचार रही, वैसे ही संतान के उत्पत्ति होते। प्रेगनेंसी के दौरान अच्छा विचार चलही तो लड़का के विचार भी अच्छा रही, प्रेगनेंसी के दौरान गलत विचार चलही मन में तो लड़का के दिमाग भी वैसे बनही। आप बोलते हैं 24 दिन तक लगातार आप उसको एक ही समय कहानी सुनाएं ना, 25वां 26वां दिन में आप थोड़ा सा डिस्मिस होने लगे तो अपने एक्टिविटीज से आपको याद दिलाएगा मम्मी स्टोरी टाइम। हाँ, तो उसको लगेगा उतना अच्छा। गर्भावस्था के दौरान सत्संगति करे से का फर्क पड़ते, ओकर बहुत बड़े एग्जाम्पल भक्त प्रहलाद वाला सुनो। माँ कयाधु को जानते हो क्या? हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप की पत्नी माँ कयाधु। हिरण्यकश्यप कौन थे? राक्षस। माँ कयाधु प्रहलाद की माता थी, लेकिन वो धर्मिनी थी, वो धर्मात्मा स्वरूप थी, है ना। तो ये जो है माँ कयाधु जब हिरण्यकश्यप को गर्भ में थे तो ऋषि मुनियों को देवताओं की चिंता होती थी, राक्षस के घर में क्या आएगा, राक्षस ही आएगा, एक राक्षस इतना तहलका मचा रहा है, इनके गर्भ से आएगा तो क्या हो जाएगा, है ना। ऐसा सोच के ना भगवान इंद्र जो है, इंद्रदेव को थोड़ी सी तो राजपाट वाले हैं, अरे थोड़ा तो मेरे राजपाट को छीन लेगा, ऐसा करके उसके मन में जो थे उसकी हत्या करने की कोशिश कर रहे थे। इन सब चीज़ को देखे तो नारद जी जो है माँ के अपने प्रयास में और उनका 9 महीना सत्संग में हुआ, पूरा बीत गया 9 महीना माँ के अर्थ का। उसका फल स्वरूप ये हुआ कि जहाँ राक्षस होने वाला था वो जो है भक्त प्रहलाद, मतलब भगवान के प्रथम सबसे बड़े। तो राक्षस के लेकर भी भक्त प्रहलाद बन सकते सत्संग के माध्यम से। ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं वसुदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो संगवारी हो, पुंसवन संस्कार के कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं और ये जो हरे रस, हरे बरगद के जटा के रस, हरे गिलोय के रस, हरे और पीपल के पत्ता और तुलसी पत्ता, ऐसे 4-5 ठो चीज के रस हरे ओला पहली सूंघी से और बाद थोड़ा से पिए थे। आइए इसके बाद आते हैं। आज तक के आप क्या बने, एकदम पहले तो शादी नहीं थी, पाली करना और कोई जिम्मेदारी नहीं, शादी हो गए, पत्नी बन गई, बहू बन गई, अब उससे भी बड़ी जिम्मेदारी आप मान ले रहे हैं, तो बहुत ही महान कार्यक्रम है और उत्तरदायित्व आपको निभाने की जिम्मेदारी है आपके ऊपर। काम से तनुर्वाम दिव्यम यज्ञाय किं तुच्छं विष्णुः सपाः सुपर्णोऽसि गरुत्वां देवं रक्षस्व पतः। मस्तक से लगा ली और गर्भिणी के हाथ में देने का प्रयास कर इकट्ठा कर लिया, इनके हाथ में दे दीजिए। हाँ बेटा, आप जो है थोड़ा पल्ला इधर डालें और गर्भ रखना चाहें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप मस्तक से, मस्तक से उसको लगा लें और भगवान के सामने वहाँ चढ़ा लें। हम इस बच्चे को सुसंस्कारी बनाएंगे और ये बच्चे को कूड़े करकट के जैसे नहीं, ये जो है ऋषि मुनि के जैसे मत देवता जैसे बच्चा बनेगा, हम उसको सुसंस्कारी करेंगे इसी भाव के साथ। ओम यत्ते सुषिमे हृदये हेम मन्तः प्रजापतौ मन्ये हमां तद्विन्दां समां कौत्रमग्नियां। ओं भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लेके भगवान की।
जय तो संगवारी हो शुरू हो चुके हैं हवन गंधाक्षतम अक्षतम चमन पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पणम प्रसाद बोल यज्ञ भगवान की जय गायत्री स्तवनम अन्नादेन समेदय स्वाहा चारों तरफ शांति की घेरा ओम आदित्य नमन स्वैति पूर्वे ओम नमते नमन स्वैति पश्चिमे ओम सरस्वत्य नमन स्वैति उत्तरे और मध्य जल ओम देव सविता सवि प्रसूयज्ञ प्रसूयज्ञ पतिम भगाय दिव्यो गंधर्वा केतु केतव्य पुनः वाचस्पतिर्वाचम बहुत सुंदर एकदम सिस्टम से बहुत सुंदर ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः ॐ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः ॐ भूस्वाहा इदं अग्ने इदं नमः ॐ वाय स्वाहा इदं वायवे इदं नमः ॐ वर स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा गायत्री इदं नमः भो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः अगर अग्नि बीच में बुझ जाते तो ओला बढ़िया से जला के फिर से आहुति देना रहते ऐसे नहीं कि ओकर ऊपर कंटिन्यू डालना है पुंसवन संस्कार के लिए हमन हा घर से बना के लाए रहे थोड़ा से खीर ओला खाना रहते आहुति में एक आहुति मिष्ठान्न के साथ डाले जाते ओला बोलते स्विष्ट कृदा होती ओम यानि काली सर्वानि यस्य संतन आपरे
हो कुछ इस तरह से संपन्न हो गए पुंसवन संस्कार। ओकर बाद हमर मनाए हन रथ यात्रा के उत्सव की बाद में देखने को भी नहीं मिलेगा, दूर देखने को भी नहीं मिलेगा। तो संगवारी हो देखो इतना सारा भीड़ है, अभी फायर ब्रिगेड वाले मन है ना, अभी फवारा चला है, पूरा बारिश करा ही, तो ये मन सब मजा नहीं तेका स्थिति ये जगह भीड़ लगा के रखे है। तो ये देखो संगवारी हो पूरा यहाँ पे बारिश होते और एक तरफ सब फिर मना के पारस सबो जय जोहर संगवारी हो। आज हरे रथ यात्रा देख सकते हो और पीछे में रथ जो है सज चुके हैं और आज के दिन मोर जो चैनल है सीजी के पारस ओकर शुरुआत हो रही से 3-4 साल पहली, ठीक है। तो चलो आज मैं आप मन ला दिखाता हूँ ये रथ मतलब रथ और एक यात्रा निकलने वाला है जब बहुत हो तो, और ये हरे राधा कृष्ण मंदिर, ठीक है। तो आप मन मैं दिखाता हूँ कि अंदर के नजारा कैसे है और साथ में देवी जी ला भी लाए हो। तो संगवारी हो हमारे एक जन सब्सक्राइबर मिल चुके हैं, का नाम है आप मन के? श्री राधे। का नाम है आप मन के? मैं लीलावती साहू। लीलावती साहू कैसे हो गए दर्शन? चलो ठीक है, मैं देवी जी दर्शन करा देता हूँ, ठीक है। संगवारी हो मैं देवी जी ला दर्शन करा देता हूँ। चलो हाँ देवी जी, ये देखो ये तरफ पूरा ना जब भंडारा वगैरह होते वहाँ पे देवी जी वेट कर रहे थे, ये तरफ भंडारा वगैरह होते आई थिंक अभी चला थे भंडारा, वीडियो देखो का। नमस्ते। तो संगवारी हो ये मन भी है, अरे हमारे सब्सक्राइबर पिपरौस से है ना, का नाम है आपके? दागेश्वरी। और मोनिका साहू। रुक्मणी साहू। चलो ठीक है, हो गए दर्शन, प्रसाद ले लो। चलो ठीक है, मैं देख लेता हूँ ना ये कहाँ है देवी जी। बेचारा कुकुर कैसे मस्त, ये संगवारी हो जय जोहर कर संगवारी हो। यहाँ पे बटर थे प्रसाद, संगवारी हो ये आ चुके हैं हमारा राधा कृष्ण मंदिर के अंदर, ये हरे अंदर के नजारा और ये देखो यहाँ पे है की बाद में देखने को भी नहीं मिलेगा, दूर देखने को भी नहीं मिलेगा, दिखाई ही नहीं देगा, फूलों से ढक देंगे बस तो ये रथ दिखेगा। पहले से दर्शन करे आ चुके हैं, देखो श्रृंगार भी हो। देखो संगवारी हो ये हरे जगन्नाथ भगवान और एक यात्रा निकलने वाला है, नीचे पे देखो वहाँ पे जो है प्रसाद है ओकरे खुशबू आवत है। हनुमान भगवान जय भगवान। और ये है रे हमार राधा कृष्ण, ये देखो कितना सुंदर है, ये देखो क्या। तो संगवारी हो ये हरे ये मंदिर के पंडित जी रविशंकर शास्त्री जी और ये हरे दर्शपुत्र, क्या नाम दिया आपने? पवन जी। और गुड़िया का क्या नाम है? गंगा। गंगा। और ये कौन है? अच्छा सर ये हमारे
आगे सर कैसे हो? ये देखो भगवान जी ला ये भगवान जी के चिन्ह जो पैदल चल चल के हो यहाँ से लेंगे किसको वाला है मुझे ये हरे एक परिक्रमा करे वाला यहाँ पे यहाँ से अंदर जाते हैं मंदिर के अंदर की तरफ और कुछ है। देखो ये भी एक भगवान ही है रे अग्रसेन महाराज जहाँ तक मुला पता है यहाँ पे ये है एक जन और दुर्गा माता जय माता दी के बाद इस तरफ है क्या वो बच्चा तो संगवारी हो ये देखो रथ जो है ना सज चुके हैं निकले भर देखो ठीक है तो चलो अब जब रथ निकल रही ना तब जो है वीडियो बनाबो। हेलो लेडीज क्या आपके पीरियड्स टाइम पर नहीं आते फ्लो बहुत कम या बहुत ज्यादा होता है पीरियड्स में क्लॉट्स आते हैं या फिर डार्क पीरियड्स आते हैं और बहुत ज्यादा दर्द होता है या फिर बालों के गिरने से हैं आप परेशान डर लगता है कि कहीं टकली ना हो जाऊं तो इन सभी प्रॉब्लम्स का है हमारे पास सॉल्यूशन और ये कोई मेडिसिन नहीं है ये है 100% नेचुरल सीजीके पारस सीबकथॉर्न जूस इसे पीने से सिर्फ एक महीने के अंदर पीरियड्स टाइम से आना शुरू हो जाएंगे वो भी बिना किसी दर्द के साथ ही बालों का झड़ना रुक जाएगा और बाल घने होने लग जाएंगे बच्चे की डिलीवरी के बाद हेयर फॉल होना कॉमन है तो वो भी इसे उपयोग कर सकती हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के इतने सारे बेनिफिट्स तो अब देर मत कीजिए सीजीके पारस सीबकथॉर्न जूस आज ही ऑर्डर करें हमें कॉल या व्हाट्सएप करें 9111193541 पे या विजिट करें cgkparas.com और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सीजीके पारस को हमसे जुड़ी स्टोरीज जानने के लिए सवारी हो रथ यात्रा आवत है देख सकते हो पीछे में ये हमारे चाचा जी अरे और ये देखो राउत नाचा हुआ थे ये देखो राउत नाचा हुआ थे थैंक यू पीछे में देख सकते हो यहाँ पे फायर ब्रिगेड है संगवारियों देखो इतना सारा भीड़ है अभी फायर ब्रिगेड वाले मनाना अभी फवारा चला है पूरा बारिश करा ही तो ये मना सब मजा ली तेका स्थिति ये जगह भीड़ लगा के रखे है और यहाँ पे जो है काली मंदिर की तरफ से भी यहाँ पे पूजा वगैरह हुआ था तेका स्थिति भी मतलब पूजा हो ही जब उतील रथ आही तो भगवान जगन्नाथ आही तो ये देखो सवारियों पूरा यहाँ पे बारिश हुआ थे और एक तरफ सब धर्मधा मस्ती कर रहे थे तो ये देखो सवारियों भगवान जगन्नाथ आवत है और सब जना प्रसाद झुकावत देखो कैसे एकदम भीड़ में जावत है ये देखो सवारियों भगवान जगन्नाथ ला कैसे पास से दिखावत हो अपन ला
अब करो आप देवी जी डांस करके दिखाई सो मतलब। तो संगवारी हो आज के वीडियो बस इतनी दूरी तक। वीडियो आप मैंने कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताओ। अच्छा लगे तो लाइक कर दू, शेयर कर दू और इसने छत्तीसगढ़ी में वीडियो देखने है तो सीजी के पारस ला सब्सक्राइब कर दू। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जल्दी धमाकेदार वीडियो आने वाला है।